You are you. अरे अंकल कहिए एक्सक्यूज मी, छिपकली बीबी से सुंदर है और तू मेंढक से? नहीं नहीं, आप समझी नहीं। ओ तो आपने समझाया ही नहीं ना। Well, young brother, what is the tension is the हसीना मुझे देती है लव की पेंशन is the ये नया आया मैडम। या वाह वाह, कौन से सर्कस से छूट के आए हो? किसी से या कोई आजकल का नया फैशन ट्रेंड चल रहा है किसी विदेशी कंट्री में जिसे कॉपी कर रहे हो? मतलब पेरिस में हो रहा, मिलान में, बार्सिलोना, प्राग, कहाँ से आए हो? अरे मैडम जी, ये सब है इसका कसूर, हम इसके होने वाले हैं ससुर। छिपकली बीबी से सुंदर है। वेल, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज था, तुम जल्दी इंट्रोडक्शन। मैडम जी, हमारा नाम है खनखजूरा कनवजिया। हमारी जो बिटिया छिपकली है उसकी जो शादी है, ये जो है इनके साथ जो है वो होने वाली जो है, लेकिन मैडम वो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा दामाद जो है इस जैसा बौड़म हो। छिपकली बीबी से सुंदर है। मैंने नहीं पिया कभी इतना दूध। जो है क्यों, जो है कि जो है ससुर है इतना एंटी दामाद हो रहा, क्या कर दिया तेने? मैडम हम है चुल्लू बन गए उल्लू किस्मत के कॉकरोच से। ओ, किसने उल्लू बना दिया यार? आरती अड़ोसन ने या प्रेमा पड़ोसन ने? यो जो तू पड़ोसन अड़ोसन करे ना, आरती प्रेमा और यो जोसा, यो बिल्कुल पसंद ना आया मन्ने। कल्चर रहो यहाँ, जरा एक फैमिली एटमोसफेयर बनाओ। कितनी बार समझाया जी मैंने। तुम बोलो। हाँ, तो मैडम शहर की बड़ी बड़ी दुकानों में सेल लगे हुए हैं और जहाँ पे भी हम देखते हैं सेल का माल, नहीं पाते खुद को संभाल। तो मैडम ऐसी एक दुकान में कपड़ों पे 25% की भारी छूट लगी हुई थी और हम उस दुकान में घुस गए। हाँ? क्यों, वहाँ पे क्या कपड़ों की जगह बर्तन भांडे बिक रहे थे? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे कपड़े ही बिक रहे थे, उसी पे 25% की छूट थी। तो मैडम हमने सोचा कि हमारे होने वाले ससुर और होने वाले तीन सालों के लिए कुछ जीन्स और कुछ टी शर्ट खरीद लेते और कुछ कपड़े हमारे लिए भी खरीद लेते। और वहां जो है तुमने जो शॉपिंग करी तो यो निकला माल और तुमने यो ही माल जो है ससुराल में जाके दे दिया। ये देखिए मैडम, है मैडम आप ही बताइए, अरे सेल में कोई ऐसे कपड़े खरीदता है क्या? छिपकली बीबी से सुंदर है। लेकिन दुकानदार ने हमें चेक ही नहीं करने दिए। उसने कहा कि चलो ए, यहाँ पे ये जो सेल लगी हुई ना वो कपड़े देखने के लिए नहीं है, खरीदो उठाओ निकल लो यहाँ से। हम है चुल्लू बन गए उल्लू किस्मत के कॉकरोच से। Well, mom, इसके ससुराल वाले गए हैं रूट इज द, इसकी शादी रही है टूट इज द। गोपी यार, बुलवाओ उस दुकानदार ने जो सेल के नाम पे लोगों ने लूट रहा है, बस मुंह ठूस हो गया अपना और पेपर पढ़ने आए हो यहाँ। ओके फॉलो हिम। वेल मॉम, शी इज दुकान वाला इज द, मेरी सास ने मुझसे साफ करवाया मकड़ी का जाला इज द। ये एकदम सही किया। तू है दुकानदार शॉप कीपर है जिसने 25% की छूट लगा रखी अपनी दुकान में? माँ बाप ने नाम के रखा है तारा, चोर, लुटेरा, उचक्का, थीफ, रोबरर। अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए मेरा तो बहुत शरीफ सा नाम है, ठग्गू।
ठग्गू ठीक ठाक, पप्पू ने मारा सिक्स है, अपना जीतना फिक्स है। पप्पू ने ना सिक्स मार लिया तेने, कैसे कपड़े बेच लिए लोगों को, आधे आधे कपड़े हैं क्यों? मैडम ये क्या कह रही हैं आप? मैडम मैंने कुछ नहीं किया मैडम, ये झूठ इल्जाम है। अरे देखिए मैडम, ठग्गू ने आज तक किसी को नहीं है ठगा, चाहे वो पराया हो चाहे सगा, तो इनको क्या ठगेगा। पप्पू ने मारा सिक्स है, अपना जीतना फिक्स है। ओहो, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये जो दो लोग बैठे हैं इन्हें ऐसे ये नग्न अवस्था में रहने का शौक है। हो सकता है। मैं एक मिनट भाई साहब, एक बात बताइए, मैंने आपको कब ठगा है? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं ठगा, कब ठगा मैंने है? देखा ना मैडम, मैंने कहा था ना कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ये जानबूझ के कर रहा है। हाँ, अरे वो तो अच्छा हुआ कि इस बौड़म के साथ जो है हमारी बिटिया गिलहरी की जो है शादी नहीं हुई। छिपकली बीबी से सुंदर है। अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए ये इंसान जो है ना वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अरे इनकी दुकान से हमने ये कपड़े खरीदे हैं। देख, नहीं विश्वास हो रहा है तो ये देखिए, ये हमारे पास ये कपड़ों की रसीद है, चेक कर लीजिए किस्मत के कॉकरोच से। चलना चलना, टाइम हो गया तो चला, आज मेरी पोशंपा भाई पोशंपा, चाय की बत्ती पोशंपा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो डाकू पकड़ा गया। पकड़ा गया। कुछ हुआ था क्या? नहीं? कुछ हुआ था क्या? तू भी उमेट सके था इसका कान, क्यों ना उमेटा? बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि इतना डिप्राइव चल रहा है तू खेल खिलौनों से कि कोई भी गेम बिल्कुल तू इन्वॉल्व हो जावे। मैडम सारा बचपन पढ़ाई में निकल गया था मैडम मेरा। अच्छी है। क्या है जनाब आपकी क्वालिफिकेशन? मैट्रिक। पास की फेल? फेल। यो रसीद थारी दुकान की है, ई भी इससे पहले कि मैं दो रसीद दूं यहाँ जरा सच बोल ले के। Well, तुमने कहा था 25% है सेल इज द, फटे कपड़े बेचना है तुम्हारा खेल इज द। नहीं देखिए दादाजी, एक मिनट मैडम, मैं आपको बताऊं, ठीक है ये रसीद हमारी दुकान की है कपड़े, एक मिनट। ए भाई साहब आप जरा बताइए, क्या मैंने ऐसा कहा था कि पैसों में 25% की छूट है? हैं, कहा था ऐसा? कहा था बोलिए। नहीं मैंने ऐसा तो मतलब आपने ऐसा नहीं कहा था। हाँ फिर मैडम देखिए, मेरी दुकान में 25% की छूट कपड़ों में है, पैसों में नहीं। मतलब कि देख लीजिए जीन्स, ये इनकी पैंट, इसमें 25% कम है, टी शर्ट में 25% कम है, उनके भी सेम, मतलब हो गया ना कपड़ों में 25% की छूट। और ये है कि यूं ही मुफ्त में इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, झूठ मूठ। लाइए रसीद दीजिए। क्या बात है, सही है, तुम भले आदमी हो ठीक है, तुम्हारी सच्चाई यहाँ प्रूफ हो गई है, तुम जाओ, गलती इसकी, इसको हम देंगे सजा। ठीक है, पप्पू ने मारा सिक्स है, अपना जीतना फिक्स है। सर पे 25% ज्यादा बाल उगा रखे हैं इसने। मैडम हम है चुल्लू बन गए उल्लू, आपने ये क्या किया, उन्हें जाने क्यों दिया? पुलिस का एक प्रोसीजर होवे, जाने क्यों दिया, ये क्यों करा, उसको क्यों बुलाया, सब तुम्हें बताएं हम डिटेल। ओके। ऐसा है, हो रहा है, अभी हम करेंगे कार्रवाई। अंकल जी अपने इमोशन वगैरह इधर कंट्रोल में रख लो, इतना जज्बाती होगी डिसाइड करने की कोई जरूरत ना है, अभी चल रहा है सब काम। गुड बॉय। और तुम तीनों सुनो क्या करना है, गोद में आ जा, मारी गोद में आ जा, आ जा गोद में आ जा। सॉरी सॉरी। यू आर यू। ऐसे एक्साइटमेंट में आया जैसे यो ही करेगा, बिल्कुल निकल के दौड़ के जाएगा, अभी फलांग लगा के बोल्ट बन जाएगा, एकदम 100 मीटर की रेस में एकदम पार करेगा और 100 है भाग गया ऐसे। सॉरी गॉड। ओके एक्सक्यूज मी, तो बता दीजिए। भैया
देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। Well, क्या लाए हो भैया? आज मैं आपके लिए ना एक नई टाई लाया हूँ। इसको पहन के आप एकदम जेंटलमैन दिखेंगे। मैं जेंटलमैन दिखूंगा? नहीं भैया, ये वाला जेंटलमैन नहीं, वो वाला जेंटलमैन, जेंटलमैन वाला जेंटलमैन, वो होते हैं ना एकदम जेंटलमैन, वैसे दिखेंगे आप। और फिर जब आप इस टाई को पहन के लप्पी लूथरा, कुक्की खरबंदा इनसे मिलने जाएंगे ना, तो ये सब बिलबिला जाएंगे भैया। मुझको नहीं बांधनी आती टाई, मेरी बीवी ले लेती है मेरी सारी कमाई इसदा। भैया बस आप ये सड़ी सड़ी बातें कर देते हो ना, जो इस पर मतलब कि अगर कोई इतना प्यार से और मतलब आप ऐसी मतलब रोना आ जाए किसी को, बस ना मेरा बच्चा तू रोता ना, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, तुझे रोता नहीं देख सकता मैं, सदके जा मैं इतना इतना। क्या कह रहा है तू? हाँ बोल, क्या कहना चाहता, क्या करना चाहता है? मैं बांधूंगा ना आपको टाई, मैं सिखाऊंगा। देख सीख कुछ सीख। आई 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 ठीक है, वो भी सही है, तू बंधवा टाई, तू टाई बंधवा बंधवा बंधवा। चल हम यहाँ से चलते हैं जेंटलमैन। वाह, आ जा। कैसे बैठूं? बस ऐसे भैया, ये जो टाई बांधना है ना, ये एक आर्ट है, ये अपने आप में एक कला है जिसमें मैं माहिर हूँ। अब आप देखते जाइए बस। क्या हुआ भैया, ज्यादा टाइट हो गई है क्या? घुटन हो रही है आपको? मैं अभी कर देता हूँ ना उसको सही। भैया ये तो नहीं खुलेगी, उल्टी गांठ पड़ गई है। अबे बिल्लू क्या कर रहा है, खोल ना मर जाएगा। नहीं अभी एक दो मिनट लगेंगे। क्यों मैंने गलत बांधी टाई, क्यों क्यों उल्टी की ठान लग गई मुझसे, क्यों? गोपी गोपी रुक, मैं तेरी मदद करता हूँ। सॉरी सॉरी मैं काटता हूँ, रुक। सॉरी के बच्चे, हट बड़ा, हम बैठेंगे बे, अबे खाऊ, अब मुलक्कड़ कहाँ पे, अबे बिल्लू अंदर आ बे, इधर आ, देख रहे हमें टाकट बनाया जा रहा है इस चौकी में, ले दे के हम ही बचे ना तुम तीनों की लपाड़पंती सहने के लिए, किसी काम के नहीं हो तुम तीनों, और जाने से पहले बाम और सेक का इंतजाम करो। किस लिए सर? We'll be right back.
मेरी बिना हमेशा लेकर अभी इसे क्यों लेकर आया है? अभी ये भोग दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू क्या चाहता है? तू चाहता क्या? तू मतलब क्या है चाहने का? कुत्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भाई साहब ही जरा ये। कुछ हुआ था क्या? नहीं। ये पूरे 20 लाख रुपए है, काम जल्दी से हो जाना चाहिए। चिंता मत करो ठग्गू सेठ, काम बिल्कुल हो जाएगा। पप्पील, पप्पू ने मारा 6 है, अपना जितना फिक्स है। तुम खुद को समझते थे बहुत शातिरिजदा, अब होगी तुम्हारी और खातिरिजदा। अबे बता दे चक्कर क्या है, वरना हम तुझे घन चक्कर बना देंगे। कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए मैडम, और मत पीटिए ठग्गू, ठीक ठाक हो मैडम। पप्पू ने मारा 6 है, अपना जितना फिक्स है। ये किसे पैसे दे रहा था? मैडम बताता हूँ। देखिए मैडम, वो पैसे मैं अपने सप्लायर को दे रहा था मैडम, ताकि वो कपड़े का नया लॉट मुझे अलॉट करे मैडम। मैडम कब तक मैं चूहे के कुतरे हुए कपड़े बेचता रहूंगा मैडम? हैं? ये क्या क्या बोल रहा है बे? चूहे ने कपड़े कुतर दिए? क्या कांडे बे ये, क्या झोले हैं? अरे बताता हूँ, दरअसल क्या है कि वो जो चुल्लू है ना, चुल्लू और भी जितने कस्टमर्स हैं ना, जिनको मैंने 25% की छूट बोल के कपड़े बेचे, वो दरअसल मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया। वो सब चूहे के कुतरे कपड़े थे मैडम। क्या है ना, मैं अपने सारे कपड़े गोदाम में रखता हूँ, जहाँ चूहों ने आके कुतर डाले सारे कपड़े। और तैने वही चूहे के कुतरे कपड़े बेचारे मासूम लोगों को, ग्राहकों को सील पैक करके, बढ़िया एकदम पैकेजिंग करके 25% डिस्काउंट बोल के चेप दिए। जी मैडम, पप्पू ने मारा 6 है, अपना जितना फिक्स है। ना 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 दोस्त, अब सिर्फ एक चीज फिक्स है और वो है तुम्हारा जेल जाना। चाहे मैडम, चाहे आदमी, तो सचमुच का ठग्गू निकला। सबसे पहले इसका गोडाउन सील करो। लेकिन चूहे के कुतरे कपड़े। हाँ आओ जरा। नहीं नहीं मैडम, दुखता है। नहीं 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 प्लीज नहीं। Presenting the new and improved Thaggu. Please, everybody, taliyan. Put your hands together. मैडम ये क्या किया मैडम, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पप्पू ने मारा 6 है, अपना जितना फिक्स है। कुछ हुआ था क्या सर? अभी कुछ नहीं हुआ था बे। अरे भी काफी लंबे हो रहे हैं। अरे चल। क्या क्या आप हमें क्यों चेक कर रही है? मैं छोटा ला नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ यो देख रही हूँ कि अगर कहीं आपको कैंडल लिट डिनर वगैरह करना पड़े किसी के संग, तो मतलब फिर कैसे लगेंगे उसमें आप? प्रिटी गुड सर, हैंडसम। या अब जरा चूहे देख लें। चूहे देखते हैं इसमें क्या है। कोई चूहे नहीं आए इधर। सर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर ये बजाने के लिए बांसुरी? मिस चौड़ाला, हम में एक कला है, अगर हम बांसुरी बजाए
तो चूहे आकर हमारे सामने डांस करते, ब्रेक डांस करते, कथकली करते, गरबा करते, और अगर कोई ना करे इसका मतलब चूहे हो ही नहीं सकते आसपास। आर यू पाइड पाइपर? कंफ्यूजन। पाइड पाइपर हैं आप? शुरला, हम बजरंग पांडे। सर, कहानियों की किताबों में चलिए वो छोड़िए, मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ सर चूहे नहीं है। क्योंकि अगर चूहे होते तो कोई बिल भी होता, और बिल तो नहीं है। करेक्ट? करेक्ट। और सर कपड़ों की हालत देख के भी यो कहा जा सके है कि किसी चूहे का काम ना है यो, बल्कि चूहों का काम है। करेक्ट? एकदम करेक्ट। और सर अगर चूहे हैं यहाँ तो उनके लिए कोई जो है कोई गली, कोई बिल, कोई आने जाने का रास्ता, वो भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट मिश्रला, बिल्कुल। इसका मतलब साफ है सर कि चूहे यहाँ है नहीं, बल्कि चूहे यहाँ छोड़े गए थे और काम हो जाने के बाद यहाँ से निकाल भी दिए गए। करेक्ट? एकदम करेक्ट मिश्रला। लेकिन ये कौन हो सकता है जो पहले तो यहाँ चूहे लेकर आ गया, उसके बाद चूहे लेकर चला भी गया? वही तो पता करना है सर कि आखिर वो कौन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।